नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी बैंक पर। जी हां दोस्तों, अगर आप भी सीआईएसएफ में फायरमैन के पद पर भर्ती होना चाहते हैं और इंतजार कर रहे हैं एक नई वैकेंसी का, तो दोस्तों आपके इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी है। जी हां दोस्तों, नई वैकेंसी को लेकर के सीआईएसएफ की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है। कंप्लीट जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कि आखिरकार कौन कौन कैंडिडेट इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको इस बार कितनी देखने को मिलेगी, क्या इस बार आपको एज लिमिट देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों सीआईएसएफ इसमें कुछ बदलाव कर रहा है, तो दोस्तों उनके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ऑनलाइन अप्लाई आपके कब से शुरू होंगे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। बिना स्किप के, बिना छोड़े अंत तक आप जरूर देखेगा। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों सीआईएसएफ से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहते हैं। वहीं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि हाल फिलहाल में आपकी एज कितनी है और आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ताकि दोस्तों हम आपको बता सके कि आपके स्टेट में आपको कितनी वैकेंसी देखने को मिलेगी और आप इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको लेकर के चलता हूं, जो आपका प्रवेश का रिक्रूटमेंट है उस पर लेकर के चलता हूं। उसमें हम डिटेल चेक करने वाले कि आखिरकार क्या क्या आपको एज लिमिट देखने को मिलेगी, क्या आपको क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आपने 12th क्लास क्वालिफाई कर रखी है और वो भी दोस्तों साइंस सब्जेक्ट से, तो इस भर्ती में आप शामिल हो सकते हैं। अगर आप आर्ट सब्जेक्ट से हैं तो दोस्तों इस भर्ती प्रक्रिया में आप शामिल नहीं हो सकते, ये इसमें साफ साफ है। लेकिन दोस्तों जो पिछली बार की वैकेंसी थी वो वैकेंसी ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए थी, लेकिन दोस्तों इस बार आपको मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की वैकेंसी देखने को मिल सकती है, ऐसा डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ न्यूज निकल करके आ रही है। लेकिन दोस्तों अभी तक इसकी कोई ऑथेंटिक पुष्टि हमें नहीं मिली है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की वैकेंसी निकाली जा सकती है। अब दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो पिछली बार आपको 18 साल से लेकर 23 साल तक जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट देखने को मिली थी, और दोस्तों सीआईएसएफ एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें इतनी कम आपको एज लिमिट देखने को मिलती है। बाकी के जो भी डिपार्टमेंट है उसमें 18 साल से लेकर 25 साल तक एज देखने को मिलती है। वहीं पर दोस्तों ओबीसी कैंडिडेट के लिए एज का क्राइटेरिया आपका 18 साल से लेकर 26 साल तक है, और एससी एसटी के लिए एज का क्राइटेरिया 18 साल से लेकर 28 साल तक है। एससी एसटी के कैंडिडेट 28 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं हाइट की। अगर हम बात करें हाइट का क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है, तो दोस्तों हाइट का क्राइटेरिया आपका 170 सेंटीमीटर देखने को मिलता है, क्योंकि पिछली बार फीमेल की वैकेंसी नहीं थी, मेल मेल की वैकेंसी थी, तो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई थी। और वहीं पर 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट और 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव चेक किया जाता है। लेकिन इस बार अगर फीमेल की भी वैकेंसी आई तो दोस्तों फीमेल के लिए हाइट का क्राइटेरिया 157 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। हो सकता है दोस्तों इसमें थोड़ी बहुत आपको छूट भी देखने को मिल सकती है, ये दोस्तों यहाँ पर इलेक्शन वगैरह थे। फिर दोस्तों बात करते हैं पिछली बार आपको कितनी वैकेंसी देखने को मिली थी, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछली बार अच्छी खासी वैकेंसी थी, लगभग 1150 वैकेंसी देखने को मिली थी, और फिर इन वैकेंसी को बढ़ा करके लगभग 1500-1600 के आसपास वैकेंसी हो गई थी। लेकिन दोस्तों अब जो नई वैकेंसी आ रही है उसमें भी आपको अच्छी खासी पोस्ट देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों जो भी आपका सीएसएफ का डिपार्टमेंट है उसमें पहले फायरमैन की वैकेंसी देखने को काफी लंबे समय से नहीं मिली थी, लेकिन अब आपको बैक टू बैक इसकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब आपको इस बार आपको इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 600 से लेकर 700 के बीच में इस बार आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों डिपार्टमेंट की तरफ से एक न्यूज निकल करके आ रही है इसमें 600 से 700 के आसपास पोस्ट अभी और खाली है। दोस्तों हो सकता है वैकेंसी आपकी बहुत जल्दी कंडक्ट करवाई जा सकती है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि अब बैक टू बैक आपको वैकेंसी हर डिपार्टमेंट में देखने को मिल रही होगी। जैसे बात करें एसएससी जीडी की बैक टू बैक वैकेंसी आ रही है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बैक टू बैक वैकेंसी आ रही है, तो दोस्तों सीएसएफ फायरमैन की वैकेंसी भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। जहां तक उम्मीद है कि फरवरी या फिर दोस्तों बात करें मार्च में आपको इस भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। बाकी दोस्तों बात करें तो हो सकता है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में भी आपको इसके फॉर्म देखने को मिल सकते हैं, फरवरी के लास्ट वीक तक भी आपको इसके फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। बाकी दोस्तों ज्यादा इंतजार आपको इस भर्ती के लिए नहीं करना पड़ेगा। कुल मिलाकर बात है कि फरवरी और मार्च का महीना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इन दो महीनों में आपको वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।